अगर किसी व्यक्ति पर कोई केस चल रहा है या किसी व्यक्ति का कोई मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे वह क्रिमिनल केस हो, चाहे वह सिविल केस हो, चाहे मैट्रिमोनियल केस हो, क्या उस व्यक्ति को प्रत्येक तारीख पेशी पर कोर्ट के अंदर जाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिविल केसेस की, रेवेन्यू केसेस की या मैट्रिमोनियल केसेस की, मैट्रिमोनियल के अंदर हम लेंगे 125 CRPC मेंटेनेंस, या लेंगे सेक्शन 24, वो भी एक्सपेंसेस का ही है। इसके अलावा सेक्शन 9, पत्नी को लाने के लिए आवेदन किया जाना, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, या हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आपको कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है तो आप मिस कर सकते हैं एक डेट, लेकिन आपका वकील है वो उपस्थिति देगा आपकी जगह, कि सर वो रीज़न दे देगा कोर्ट में जाकर के आपका वकील, कि भाई इस वजह से मेरा जो क्लाइंट है वो आज उपस्थित नहीं हो सकता। अगर कोर्ट चाहे तो प्रार्थना पत्र उससे मांग सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर वकील को आप राइट देते हैं तो वकील आपकी तरफ से प्रार्थना पत्र पेश कर देगा। एक तो हुई ये बात। दूसरी बात कि अगर मान लो रेवेन्यू केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सिविल प्रोसीडिंग है, कोई मैंडेटरी नहीं है आपका आना, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आपका केस है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एफिडेविट पेश करना है, और आप एफिडेविट पेश करने वाले दिन आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप नहीं आ सकते तो कोर्ट आपको, ऐसी बात नहीं है, टाइम दे सकता है। ये नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा, एफिडेविट पेश ही करना पड़ेगा आज, कुछ आपको रीज़न देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि भाई आप क्यों नहीं आ सकते। अगर रेवेन्यू केसेस है तो सेम सिचुएशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या होगा। क्रिमिनल केसेस के अंदर एक बंदे को पुलिस ने अरेस्ट किया, या समन से बुलाया, या जमानती वारंट से बुलाया, कुल मिलाकर के क्रिमिनल केसेस के अंदर बेल कराना पड़ती है कोर्ट के अंदर, कोई केस चल रहा है तो बेल आउट है वो बंदा, चाहे फिर वह 307 हत्या के प्रयास में बेल आउट हो, चाहे वो 138 NI एक्ट चेक के मामले में बेल आउट हो, चाहे वो हल्की फुल्की मारपीट उपहत्कारित करना 323 या 341 के मामले में बेल आउट हो, या और भी कोई के आप धारा ले सकते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, जो भी धाराएं आती हैं सबको आप अपने आप समझ लीजिए। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कुछ लिमिटेड धाराओं का जो कि कॉमन धाराएं हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी कोर्ट के अंदर आना ज़रूरी है। अब बात करूं कि भाई अगर मान लो उसको काम पड़ गया वो नहीं आ सकता, तो उसके वकील को उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई मैं आज नहीं आ सकता, रीज़न बता दे कि भाई क्यों नहीं आ सकता। वकील आपकी तरफ से प्रार्थना पत्र पेश करेगा कोर्ट के अंदर। 205 CRPC में कोर्ट को पावर है कि वो आपकी ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, आपको परमिशन दे सकती है कि ठीक है नहीं आए कोई इशू नहीं है, जो कोर्ट को लगता है। मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लगाते हैं 205 CRPC के अंदर एक हाजिरी माफ़ी, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई आज हमारा जो क्लाइंट है वो उपस्थित नहीं है, कारण हम उसके अंदर मेंशन करते हैं कि इस वजह से वो उपस्थित नहीं है, तो कोर्ट लीनियंट है, ऐसी बात नहीं है, वो एक्सेप्ट करती है प्रार्थना पत्र को आपके, लेकिन आप रेगुलर इस चीज़ को नहीं कर सकते। चलिए, तो मतलब ऐसी कोर्ट के अंदर कोई भी केस नहीं है जिसमें हमें आना मैंडेटरी हो प्रत्येक तारीख पेशी पे, 99%। बहुत ही रेयर केस हो सकता है वो जिसके अंदर कोर्ट कह दे कि हाँ भाई आपको तो प्रत्येक तारीख पेशी पे आना ही होगा। मेरे सामने आज तक वो ऐसा कोई केस नहीं आया। अब बात करता हूँ कि चलो ठीक है साहब, आपका वकील भी उस दिन नहीं आया जिस दिन आप नहीं आए, और आपकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं लगी क्रिमिनल केस के अंदर, क्रिमिनल केस फिर वो कोई सा भी हो, चाहे वो 376 धारा बलात्कार का हो, 307 हत्या के प्रयास का हो, 302 मर्डर का हो, 138 चेक का हो, 323 उपहत्कारित करने का हो, हल्की फुल्की मार्केट आपकी लैंग्वेज के अंदर, साधारण लैंग्वेज में, किसी भी मामले के अंदर, या 420 हो या कोई भी केस हो, आपराधिक केस के अंदर आप उपस्थित नहीं हुए, या वकील आया तब भी आपकी उसने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, हाजिरी माफ़ी आपकी नहीं लगाई कोर्ट के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट जमानत जब्त करती है। एक तो ये सिचुएशन हो गई, जमानत जब्त कब करेगी मैंने आपको बता दी प्रोसेस। एक कंडीशन ये कि आप एक तारीख पर नहीं आए, चलो हाजिरी माफ़ी लगा दी, दूसरी में भी नहीं आए फिर वकील ने हाजिरी माफ़ी लगा दी, तीसरी में भी नहीं आए फिर वकील ने हाजिरी माफ़ी लगा दी, कोर्ट कब तक आपको एक्सेप्ट करती रहेगी आपके प्रार्थना पत्र को, कब तक आपकी हाजिरी को माफ़ करती रहेगी। तो कोर्ट ने जब लास्ट 4 टाइम लगाई, या कोई सा भी एक टाइम ले लो, कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया आपकी हाजिरी माफ़ी को, तो फिर कोर्ट आपके जो जमानत मुचलके हैं उसको रद्द करेगी। जो 1444 CRPC के अंदर प्रोविज़न है कि वो जमानत मुचलके को कोर्ट रद्द कर सकती है। तो दोस्तों, रद्द करने के बाद आपके जस्ट वारंट इशू हो जाएंगे उस व्यक्ति के जो जमानत पर रिहा था और जो तारीख पेशी पर नहीं आया है। अब आगे क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वकील सूचना दे दे कि सर आपकी जमानत कोर्ट ने जब्त कर ली है, अब आपको जमानत कराना पड़ेगी, तो दोबारा जमानत होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक जमानती आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार
या कोई जानकार, उस व्यक्ति को आपको लेके जाना पड़ेगा जो मुलजिम है, वो लेकर के चले जाए कोर्ट के अंदर जा करके तुरंत जमानत करवा ले। जमानत के बाद एक तहरीर आपको देगी कोर्ट, क्योंकि आपके वारंट तो निकल ही चुके हैं, वो पुलिस वाला तो आपको ढूंढेगा। अगर पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो फिर वो तहरीर आपको उसको देनी कि सर मैं जमानत करा चुका हूँ। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लो कि एक व्यक्ति की जमानत जब्त कर ली, कोर्ट में नहीं आ रहा था तारीख पेशी पे, तो पुलिस वाला उसको पकड़ के पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो अब उसको वो कोर्ट में लाके ही पेश करेगा। जिस दिन वो कोर्ट में पेश करेगा सेम डे आपकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट लीनियंट है, आपको माफ़ कर देता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो ज़्यादातर क्या होता है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है आपकी बेल को, हैंड टू हैंड आपकी बेल हो जाती है ऐसे मामले के अंदर, अगर आप दो तीन बार नहीं आए हैं। लेकिन कोर्ट जुर्माना लगाती है, क्योंकि उसको एक आपने प्रोसेसिंग बढ़ा दी, उनको प्रोसीडिंग बढ़ा दी, उनकी एक काम बढ़ गया और आपकी वजह से डिले हो गया। इस वजह से वो काम, क्योंकि जब तारीख बेल जंप हो जाता है बंदा जिसकी जमानत जब्त हो जाती है, तो फिर फाइल उसी स्टेज पर रुक जाती है, तब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो तब तक वो कोर्ट में नहीं आए। इसलिए तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक जमानती लेकर के जाना है उस व्यक्ति को जिसकी बेल जंप हो गई है, मतलब जिसकी जमानत जब्त हो गई है, वारंट निकल गए हैं। जमानती कौन क्या क्या लेके जाएगा, एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक ऐसा प्रूफ जो रजिस्टर्ड हो, आरसी हो सकती है किसी व्हीकल की, जमाबंदी हो सकती है किसी ज़मीन की, एक फ़ोटो लेकर के जाना है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको पसंद आया होगा वीडियो, समझ में भी आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।